अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अ फ्रेश व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सब आबाद होंगे। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, शुक्रिया। तो आज है फाइनल मैच बरुवार से सिकरचंद लातो। तो आज दो टीमों के बीच मैच होने वाला है भीमाथंग में। तो कम से कम 40-45 टीम्स थी टोटल, उन सब में से फाइनल में दो टीम्स पहुँचे। तो आज मैं आप लोगों को वही मैच दिखाने के लिए कारगिल जाऊँगा, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। ये रहा कुछ मार्केट, यहाँ छाणी उनके बिल्कुल सुनसान है। देखो दिन में कोई होता है नहीं, शाम को ज़्यादा भीड़ होती है। तो दोस्तों एक सिटिंग ले लिया, एग्ज़ाम देने देते देते थोड़ा एनर्जी आ जाएगी। 3 घंटा क्लास के अंदर बैठना है, तो निकलते हैं यहाँ से। गाड़ी का आउटफिट एक बार दिखा दूँगा मैं आप लोगों को। तो ये रहा कुछ आउटफिट अपना गाड़ी का, तो निकलते हैं यहाँ से बिना टाइम वेस्ट किए। बहुत गर्मी हो गया गाड़ी के अंदर, देखना। ओह माय गॉड, 50 डिग्री तो गाड़ी के अंदर टेम्परेचर होगा। तो अभी फ़िलहाल गाड़ी लेके जाएंगे क्योंकि बाइक नहीं लेके जाएंगे। बाइक पे थोड़ा आज अनकम्फर्ट लग रहा है, तो गाड़ी पे कम्फर्ट लग रहा हूँ, गाड़ी पे ही निकलेंगे यहाँ से। बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। तो निकलते हैं यहाँ से धीरे धीरे। मार्केट से हम निकल गए तो 10 मिनट लग जाता है कारगिल मार्केट पहुँचने तक। तो निकलते हैं, यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ धो रही है, यहाँ पे आप धो सकते हो अपनी गाड़ी। यहाँ पे एक बड़ा नाला भी है। कंफर्ट तो गाड़ी में ही होता है। बाइक पे जब आता हूँ तब मतलब रिलैक्स होके बिल्कुल जाने का मतलब होता नहीं है। गाड़ी में पैर फैला के सीट पीछे लगाओ, आहा सुकून के साथ जाओ। आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है मैच स्टार्ट हुआ होगा। तो दोस्तों मैच स्टार्ट हुआ होगा, फिर भी हम 1-2 ओवर के बाद ही पहुँचेंगे। तो लेकिन मैं आप लोगों को मैच जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक वहीं बैठ के आप लोगों के लिए दिखाऊंगा। तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ग्रुप्स व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर करना और ज़्यादा कमेंट करना। जब आप लोग कमेंट करते हो तब वीडियो की रीच बढ़ जाती है। तो और जो लाइक नहीं करते हो लाइक भी करना साथ में, अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी करना। मुझे पता है आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा। तो जल्द ही अपनी फर्स्ट पेमेंट आने वाली है यार, हमने सारा अपना अकाउंट लिंक किया है। 35-40 डिग्री पहुंचा है टेम्परेचर, पता है इतना गर्मी लग रही है। तो अभी हमने मुंथंग क्रॉस किया है, इसको बोलते हैं मुंथंग। यहाँ पे कम से कम 80-90 घर है विलेज छाणीगोंड। देखो यहाँ से ऊपर जाते हैं छाणीगोंड वैली, ऊपर गांव का रोड, यहाँ से वहाँ आगे से भी है छाणीगोंड मेन मार्केट से भी। सुबह सुबह हम जब मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे तब यहाँ पे एक्सरसाइज करके जाते थे। छाणीगोंड जहाँ से मैं आया हूँ ना, वहाँ से यहाँ तक चल के आते थे और यहाँ से वापस 2 किलोमीटर 2-4 किलोमीटर चलते थे सुबह सुबह। लेकिन एक गाड़ी बेचने वाला हूँ मैं, अगर कोई लेना चाहता है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी इरफान शलिस्तानी और मेरा इंस्टा पे एक पेज है लद्दाखी कार डीलर। तो वहाँ पे जाके एक बार विजिट कर लेना और मुझे मैसेज कर लेना, इरफान शलिस्तानी। मेरा फेसबुक पे भी है, आप लोग फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मेरा पेज है। अगर किसी को गाड़ी लेनी होते तो मुझे DM करो, मैं बिल्कुल सस्ते में 0.5% रेट में ही दे दूँगी क्योंकि मुझे और एक गाड़ी पसंद आई है तो वो लेना चाहता हूँ मैं। यहाँ पर कुछ आए हुए इनको उठाएँगे, यहाँ पर कुछ बंदे उन्हें लिफ्ट दिया हमने। तो अभी फ़िलहाल पहुँचे हम शिलिक से, में पेट्रोल भरने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमने आधा टंकी से भी ज़्यादा पेट्रोल है। तो 8 मिनट में हम पहुँच गए यहाँ शिलिक से में। तो निकलते यहाँ से धीरे धीरे। यहाँ पे रास्ते में लिफ्ट दिया था, 2 बंदे मिले थे, उन्हें आगे तक यहाँ पर छोड़ के आना है, उसके बाद हम जाएँगे सीधे। तो रॉन्ग वे में आप लोग कभी मत आना। देखो JK7 गाड़ी है, रोंग वे से आ रहा है आगे से, ये गलत बात है यार। खाम आखा ट्रैफिक जाम करवाते हैं लोग। JK7 4288। सामने से एक गाड़ी आ रही है, नहीं देखो पढ़ना नहीं कुछ ये खुद नू संभाल। तो अभी यहाँ पे आए थे भीमाथंग में मैच देखने के लिए। हाँ सर, ठीक है सर, क्या हाल है, ठीक हो? और
यहाँ चांस होने जा रहा है। तो यहाँ चल अहमद अली, आप मुबारकबाद के आप सवेरे यहाँ चार जीतने में कामयाब रहे, तो आप क्या करेंगे, बॉलिंग या बैटिंग? रनों का टारगेट यहाँ सही रहेगा आज के फाइनल मुकाबले में? थैंक यू अहमद अली। और कितने रनों के अंदर पूरी टीम को ऑल आउट करेंगे यारा इंडियन बरू को? सबसे पहले हमारा बॉलर अच्छा है, तो इसके हिसाब से हम इसको टीम को 140 या 150 पे ऑल आउट करने के लिए करेंगे। तो इतने लोगों के बीच में ये फाइनल मुकाबला यहां खेल रहे हैं, Thank you.
तो दोस्तों फाइनली मैच खत्म हुई है, तो विनर ऑफ द मैच है बरू की टीम विन जीत हो चुकी है। तो वीडियो में यहाँ तक बने हुए तो दिल से थैंक यू। तो मिलते हैं किसी शानदार से ब्लॉग पे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, खाते पीते मस्त रहो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, शुक्रिया। तो यहाँ पे नीचे जो व्लॉग्स आ रहे हैं उन्हें भी ज़रूर एक बार चेक करना और प्यारा सा एक कमेंट छोड़ के जाना। तो और